कल हिंदी दिवस के अवसर पर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उत्तर प्रदेश साहित्य सभा ने अपनी हिंदी अपना भारत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हमारी संस्कृति और भाषा दुनिया को हमारे साथ जोड़ने में मदद कर रही है। दुनिया हमारे संस्कृति के कारण ही हमारे करीब आ रही है। वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा। प्रधानमंत्री द्वारा G20 के सफल आयोजन को इसी दृष्टि से देखना होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, भाजपा नेत्री अपर्णा बिष्ट, पद्मश्री सुधा सिंह ने भाग लिया। इस अवसर पर कई हिंदी साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हम समझता हूं कि विश्व गुरु भारत बनने की हम लोग बात करते हैं, निश्चित रूप से विश्वगुरु रहा होगा और आगे पुनः बनाने का प्रयास जारी है। और उस विश्वगुरु की भूमिका में हिंदी, संस्कृति और संस्कृत, इनका बड़ा योगदान रहा था और आज भी है। वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। भारत की संस्कृति यदि है, लोगों की परंपरा, जीवन के आदर, जीवन के मूल्य, जीवन शैली, जीवन का अनुशासन, वो भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं से है। और अगर संस्कृति जिंदा है तो उसमें संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। और संस्कृत से उपजी हुई हिंदी, ये कनेक्टिंग भाषा ही नहीं होके ये मूल आत्मा है। इन सबको मिलाकर के एक दूसरे के पूरक है हिंदुस्तान। इन्हीं सब चीजों को लेके, इन्हीं अपनी विरासत को संबंधित करने का प्रयास कर रहा है। उसी के आधार पर पुनः हम लोग विश्वगुरु बनने के प्रयास कर रहे हैं।